कैसा रहा ये पल? बहुत ही अच्छा रहा, एक एक पल को हम लोगों ने एंजॉय किया। उस पल को हम वक्त शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, हम एक एक पल को जिए, क्योंकि 15 साल का इंतजार जो है। राजपूत होना गुनाह तो नहीं है। अच्छे दिन नहीं होता है कि जल्दी उड़ जाता है पंख के तरह, तो उसी तरह से हमारे निकल गए। आरोप में जेल जाना जिसमें आप बेगुनाह हो तो बुरा लगता है। आपका ही पट्टी बनाएंगे मैडम, देखिए लव स्टोरी है भाई, बरकरार है। लव स्टोरी तो सबके घर में है। तो पप्पू यादव के खिलाफ नहीं लड़ते थे हम, व्यवस्था से लड़ते थे। पप्पू जी कहाँ से क्यों आते थे मेरे सामने, वो उनसे सवाल कीजिए। आनंद मोहन थे, हैं और रहेंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सहरसा के पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आए थे, और इस वक्त देखिए ऐसी तस्वीर, ये दुर्लभ तस्वीर काफ़ी कम देखने को मिलेगी। पूरा परिवार जो है वो एक साथ है। आनंद मोहन है, धर्मपत्नी लवली आनंद उनकी, वो भी सांसद रह चुकी हैं, चितानंद विधायक हैं, आज उनका जन्मदिन है। चितानंद के जन्मदिन पर देखिए घर में मिठाइयाँ, समोसे, कचौड़ी और बाहर और खाने की व्यवस्था जो है वो की गई है। मैडम लवली आनंद सबसे कह रही हैं कि खा के ही जाइएगा, हम खा लेंगे। 15 दिन हुए, आज 14वां दिन है, कल आपको वापस भी जाना है जो जानकारी मिली, अब तो समय खत्म हो रहा है। कैसा रहा ये 15 दिन? बहुत ही अच्छा रहा, एक एक पल को हम लोगों ने एंजॉय किया ना। सुबह 6:30 बजे से और रात्रि के 1:30 बजे तक चाहने वाले लोग आते रहे, परिवार के साथ हम लोग मिलते रहे ना, अच्छा लगा। 6 से लेकर रात के 1:30 बजे तक? जी 6:30 बजे से 6 बजे, कभी कभी जब निकल जाइए ना। हाँ, कभी साफ सफाई को देखने के लिए अगर लुंगी और बनियान में निकले तब भी लोग खड़े थे। लोग इतना प्रेम अभी भी रहा? जी जी, जो आनंद मोहन ने कमाया था वो बरकरार, इसमें सौभाग्यशाली हम लोग रहे ना। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि राजपूत समाज के आप बड़े नेता हैं, सिरमौर कहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राजपूत होना गुनाह तो नहीं है, क्षत्रिय स्वयं में एक जिम्मेवारी है, बड़ी बात है होना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्षत्रिय तो वो है जो संकीर्ण नहीं हो ना, जो कट्टर नहीं हो, संकीर्ण नहीं हो, उदार हो, जिसके छतरी तले समाज के हर वर्ग के लोग खुद को सुरक्षित समझे, वो है असली क्षत्रिय। तो क्षत्रिय सबों के बस की बात नहीं बनना, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बताया कि आपके पूर्वजों ने जो छुआछूत की परंपरा थी उसे जी, जी तो वो समाज के हर वर्ग को लेके चलना, और ये तो हमें विरासत में मिली राष्ट्रीय आंदोलन में। 3-3 पीढ़ियों ने, हमारे परिवार के 3-3 पीढ़ियों ने कुर्बानियाँ दी ना, जो अछूतोद्धार के लिए राम रूप एक मेस्तर थे अस्पताल में, उन सार्वजनिक वो 5,000 लोगों के बीच में उन्होंने उनके हाथ से पानी पिया और समाज से बहिष्कृत किए गए, तो वहाँ से हम लोग शुरू हुए। जो सोशलिस्टिक विचारधारा है उसको हम लोगों ने बाद में अपनाया, जेपी के आंदोलन से हम आए, और जेपी आंदोलन में बिहार में सबसे मैं समझता हूँ ज़्यादा समय तक 6 बार मैं जेल गया ना, तो नाम के आगे और पीछे टाइटल था। तो आप इस चीज़ को जो तो कह रहे हैं कि जेल गए तो जेल जाना कैसे देखते हैं? जेल गए, आंदोलन में जेल गए या कभी जेल गए? तो कुछ लोग जेल जाने से पहले तो आंदोलन में जेल जाते रहे, इस बार एक आरोप में जेल गए, तो आरोप में जेल जाना जिसमें आप बेगुनाह हों तो बुरा लगता है। लेकिन हम, हमारे परिवार ने आज़ादी और लोकतंत्र के लिए कुर्बानियाँ दी, उस लोकतंत्र को संभालना, कानून व्यवस्था को मानना भी तो हमारी जिम्मेवारी थी ना, तो उसको हमने माना, बड़ी धैर्य से बिताया 15 साल। और जेल में ही हमने कई कई किताबें, आप ये देखिए 3-3 किताबें, 3 किताबें अपने साथ लेके बैठे हुए हैं। ये देखिए, पहली किताब कैद में आज़ाद कलम, दूसरी किताब स्वाधीन अभिव्यक्ति, तीसरी किताब गांधी कैक्टस के फूल, उसके बाद फिर CBSE में मेरी कहानी चल रही है, वो पर्वत पुरुष दशरथ, उसके बाद कालकोठरी से ना आप बीती है, जेल डायरी है 2 खंडों में, फिर मेरी शुरू से रहा या अब हुआ? शुरू से भी हम लिखते रहे, हम तो पार्लियामेंट वाला वो भाषण भी सुनते हैं जब विश्वास मत, अखबारों में आर्टिकल मेरे आते रहे। हाँ,
बेटे का जन्मदिन है, बेटी की सगाई भी हुई, फिर धर्मपत्नी का भी जन्मदिन मनाया, कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा। 7 नवंबर को 5 को निकले, 4 को, 5 को यहाँ आए, 5 से पेरोल काउंट होता है, 7 को बेटी की सगाई थी, 9 नवंबर को पत्नी का जन्मदिन था, फिर आज आखिरी दिन इसका बेटे चेतन विधायक चेतन आनंद का जन्मदिन है। ये 3 आगे बेटी की शादी है 15 फरवरी को, फिर उसके बाद 24 अप्रैल को बेटे की सगाई है और 3 मई को उसकी शादी है। सबको बुलाएंगे ना, जैसे बुलाए? बिल्कुल बिल्कुल सबको। उस बार तो हम कहने में कोताही किए कि अचानक से निकले, अचानक से सब हुआ, लेकिन अभी से सबको कह रहे हैं, सबको निमंत्रित कर रहे हैं, और आज भी आप लोग खा पी के जाइएगा। ठीक है मैडम, लवली आनंद है हमारे साथ, जिस तरह से सर आए, आपका जन्मदिन मना, चेतन जी का आज बर्थडे है, क्या गिफ्ट दे रही हैं, क्या मांग रही हैं? देखिए सबसे पहले तो आज आप लोग भी आए हैं, शुभकामना दीजिए दे रहे हैं, और हम लोग सब इससे बढ़ के क्या होगा, शुभकामना देंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, पुरुषार्थी बने, यशस्वी बने। 15 दिन ये साथ साथ रहे, 15 दिन सर साथ साथ रहे, पूरा परिवार साथ बैठा, खाया, मैच देखा, उस पल को हम शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, हम एक एक पल को जिए, क्योंकि 15 साल का इंतजार जो है बहुत रहा, 15 साल के बाद निकले, तो 15 दिन को हम लोग बहुत यादगार बनाए, बहुत अच्छा, किस तरह से अच्छे दिन नहीं होता है कि जल्दी उड़ जाता है पंख के तरह, तो उसी तरह से हमारे निकल गए, लेकिन यादगार रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और घर में आए तो फिर सगाई इधर हुई, बेटी की, बेटा का जन्मदिन, जबकि जन्मदिन रियल में 20 नवंबर को है, 12 बजे रात में केक कटता, लेकिन चूंकि आनंद मोहन जी 20 को देखा था सर, जब आप थे साथ साथ, क्योंकि आप 31 साल के आज हो रहे हैं, हम चित्रान से ही बात करेंगे, 12 बजे रात को केक कटता था, उठा करके मोमबत्ती फूको फिर ताली बजाओ। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद के दिनों में कटता था कि नहीं, केक कटता था कि नहीं, मेरे बच्चे जब हुए है ना समझदार, एकाध बार इन लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया, इनका जन्मदिन तो हम लोग मनाते रहे, इन लोगों का बर्थडे कितना खास है पापा साहब? बिल्कुल अनोखा है, बहुत दिन बाद जो है हम लोगों को साथ बर्थडे मिलाने को, मतलब मनाने को मिल रहा है, और 9th को भी मम्मी का जैसे मनाने को मिला, तो अच्छा लगता है पारिवारिक माहौल में जन्मदिन मनाना, अच्छा लगता है बिल्कुल, किसको अच्छा नहीं लगता है। आज जा रहे हैं, बल्कि चाहेंगे कि मेरा और भी बच्चे का बर्थडे ये देख लें और जाके इनका भी हो जाए, मतलब जल्द से जल्द फिर ये वापस आए, फिर ये वापस आ जाए जल्द से जल्द, अरे अब रिहा हो करके आए, और सभी बच्चे का और इनका भी बर्थडे इसी तरह से मन जाए पूरे साल। आपका भी बर्थडे मनाएंगे मैडम, देखिए लव स्टोरी है भाई, बरकरार है लव स्टोरी तो सबके घर में है, जो जो है ये तो रहना ही चाहिए। अच्छा अंतिम सवाल सर, मतलब कोई पॉलिटिकल तुम पूछ नहीं रहे हैं, हम लोगों ने सुना आपके बारे में, अभी बिटिया की सगाई हुई, पप्पू यादव भी आए थे, गले मिले आपसे, पुराना आप लोग का दोस्ताना भी रहा है, संघर्ष भी रहा है? राजनीति में कोई दोस्त परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते, स्थितियां परिस्थितियां होती है, हमने पहले भी कहा था कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे किन्हीं से राजनीतिक मनभेद नहीं रहा, वैचारिक मनभेद नहीं रहा, तो मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। घर में क्या सोचते हैं आनंद मोहन, क्या मानते हैं? अच्छा है, मेरी शुभकामना है, छोटा भाई है ना, बिल्कुल, मतलब अभी आगे भी शादी होगी तो बुलाएंगे? जरूर बुलाएंगे, ये तो पारिवारिक रिश्ता है पहले से भी, ये सब सबके बावजूद। कई लोग तो सुनते हैं कि एक लंबा संघर्ष रहा, खूब एक जमाना था, ठीक है, अपने अपने समर्थकों के लिए, लोग अपने चाहने वालों के लिए, समर्थकों के लिए, जिसको लगेगा कि हमें लगा कि यहाँ अन्याय हो रहा है, हम खड़े हुए, हम तो पप्पू यादव के खिलाफ नहीं लड़ते थे, हम व्यवस्था से लड़ते थे, व्यवस्था से। पप्पू जी कहाँ से क्यों आते थे मेरे सामने, वो उनसे सवाल कीजिए, मैं कभी वो दरकिनार अलग हटा के जो जो हमारे सामने आया, दुश्मनी नहीं थी, नहीं, आज भी नहीं। वो देखिए
न पहले थी न आज है न आगे रहेगी, है ना। हाँ नहीं नहीं, लेकिन जब हम व्यवस्था से लड़ेंगे और उस व्यवस्था का चिन्ह प्रतीक बन के कोई सामने आएगा तो हमको लड़ना पड़ेगा। हमको अगर लगेगा कि हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, या हमारा जो समाज है, हमारे पीछे खड़ा जो समाज है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादतियाँ हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम खड़े होंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। आनंद मोहन, वो आनंद मोहन थे, हैं और रहेंगे, है ना। वो इसका कोई फर्क, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। हाँ, अन्याय होगा तो आवाज़ उठेगी, कलम चलेगा। हाँ, कलम भी चलेगी। और ये तो किताब और बंदूक क्रांति के दो बाजू हैं। मतलब बंदूक भी जरूरी है समय पर। हर क्रांतिकारी, देखिए, हर क्रांति किताब, कलम और बंदूक, ये दोनों जो है क्रांति के दो बाजू हैं, दो हथियार हैं, है ना। आप किस रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं आप पर निर्भर। आप चांगकाई शेख के खिलाफ माओ सेतुंग खड़ा हुआ, है ना, तो ये तो इतिहास है। चे गिवेरा, फिदेल कास्त्रो, है ना, ये लेकिन हमारा जो देश है वो बापू का देश है, है ना। और इसलिए ये समय का तकाजा है, बापू को दुनिया ने इनकार नहीं किया ईसा मसीह की तरह। अंतिम में हमको गांधी लिखना पड़ा। खत्म कर रहे हैं इस वार्तालाप को, गले मिलते हुए हमने देखा है, सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं है क्योंकि उतनी मेरी उस वक्त उम्र नहीं रही होगी, हम जानते नहीं थे, गोलियां भी चलती थी एक ज़माने में, अब तो गले बहुत सारे लोग आए उन पर क्यों नहीं आते। गले मिलते हुए देखा आनंद मोहन, पप्पू यादव, खूब बिल्कुल, वो तो बताए कि हमारा कोई मनभेद किसी से नहीं रहा। नहीं, वादा कर रहे हैं व्यूअर से, अब जा रहे हैं, परिवार पूरा साथ में है कि जल्द आएंगे आप कानून पर। उम्मीद है, भरोसा है, कानून पे भरोसा है, और यही सब लोग चाहते हैं। भरोसा है व्यवस्था पर भी, कानून पर भी, और जो 15 दिन का समय मिला इसके लिए भी लाख लाख शुक्र आपके माध्यम से बिहार सरकार। आप ऐसे क्या मांग रहे हैं अपने बर्थडे पर? नहीं, उनका यहाँ पर उपस्थिति बहुत हमारे लिए एक गिफ्ट ही है। हाँ, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। उधर देखिए, गिफ्ट भी आया हुआ है चित्रानंद के लिए, पूरा परिवार साथ में है और चेहरे पर मुस्कान है, वादा कर रहे हैं कि जल्द आ जाएंगे। हाँ नहीं, देखिए, जो होगा अच्छा ही होगा, ये हम लोग मानते हैं, और खुशी हम लोग जो है आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मिठाइयाँ हैं, समोसे, कचौरी हैं, और क्या कुछ कह रहे थे आनंद मोहन का पूरा परिवार, उनकी बिटिया भी साथ थी, सगाई हुई है, शादी भी होगी, तारीख भी बता रहे हैं और आमंत्रण भी दे रहे हैं। आनंद मोहन ने क्या कहा है 15 दिन के पेरोल पर जब वो बाहर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने परिवारों के साथ, कैसे उन्होंने वक्त गुजारा, क्या यादें साझा की, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।